हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फॉल मूवी, जो कि थ्रिलर मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम बेकी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसकी रिसेंटली डैन से शादी हुई होती है। वो माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। उनके साथ उसकी फ्रेंड शाइलो भी होती है। वो एडवेंचर्स को चेस करने के शौकीन थे। अब डैन एक जगह हाथ रखता है तो वो बर्ड्स का नेस्ट होता है। उसमें से एक बर्ड बाहर आता है तो डैन अनबैलेंस हो जाता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन क्लिप की वजह से वो रोप से हवा में लटक जाता है। बेकी और शाइलो उसे नहीं बचा पाते और डैन का क्लिप उस जगह से निकल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। आफ्टर 51 वीक्स हम बेकी को देखते हैं, जो डैन के गम में ड्रिंक भी करने लगी थी। वो अभी तक अपने हस्बैंड को भुला नहीं पाई और उसने अभी तक डैन की एशेज संभाल कर रखी हैं। उसकी ये हालत देखकर उसके फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वो बेकी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे लड़ने लगती है और फिर घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो सुसाइड करने का सोचती है कि तभी उसकी फ्रेंड शैलो उसके घर आ जाती है। वो उससे इस इंसिडेंट के बाद फर्स्ट टाइम मिलती है, क्योंकि उसके फादर ने उससे हेल्प मांगी थी। शैलो बेकी को फिर से जिंदा करना चाहती है, क्योंकि वो एक साल से इसी घर में कैद होती है। वो बेकी को एक टावर पर ले जाना चाहती है, जो कि एक ग्राउंड में है और 2000 फीट लंबा है। शैलो कहती है कि पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इसे नेक्स्ट ईयर खत्म करने वाली है। शैलो उसे साथ चलने के लिए बहुत इंसिस्ट करती है और कहती है कि तुम डैन के एशेस वहाँ उड़ा देना, लेकिन बेकी वहाँ जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो कहीं नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बेकी डैन की फोटो देखती है तो वो उस टावर पे जाने का फैसला करती है। अब बेकी और शैलो सफर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो बहुत सी वीडियोज बनाते हैं और फोटोज भी क्लिक करती हैं। अब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती हैं। आगे जाते हुए उन्हें एक मरी हुई बकरी मिलती है, जिसे चील खा रही होती हैं। बेकी उसकी फोटो क्लिक करके इंस्टा पर अपलोड कर देती है। अब वो टावर को देखती हैं, जो कि देखने में बहुत लंबा होता है। बेकी थोड़ा डरी होती है तो शैलो उसे कहती है कि हम ये कर लेंगे। अब वो दोनों रोप बांधकर ऊपर चढ़ने लगती हैं। बेकी को पुराने जंग लगे टावर के स्टेयर्स की आवाज सब फील हो रहा होता है, उसे डर लग रहा होता है, फिर भी वो ऊपर चढ़ती जाती है। काफी ऊपर चढ़ने के बाद शैलो उसे बताती है कि हमने 100 फीट क्रॉस कर लिए हैं। अब वो ऊपर चढ़ते जाते हैं और वहाँ हवा भी बहुत तेज चल रही होती है। शैलो उसे कहती है कि हम बस पहुँचने ही वाले हैं। बेकी जब नीचे देखती है तो उसे बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि वो एक साल बाद क्लाइंबिंग करके इतनी ऊंची हाइट पे होती है। तो शैलो स्टेयर्स हिलाकर उसके साथ मजाक भी करती है, तो वो उसे मना करती है। आखिरकार वो लोग 2000 फीट ऊपर पहुंच जाती हैं, लेकिन इसी दौरान इन्हें नहीं पता होता कि स्टेयर का स्क्रू निकल गया है। अब शैलो और बेकी ड्रोन से सारा व्यू रिकॉर्ड कर लेती हैं। वो वहाँ बहुत इंजॉय कर रही होती हैं और बहुत खुश भी होती हैं। शैलो टावर से लटक कर फोटो क्लिक करवाती है, फिर वो बेकी से भी ऐसा करने को कहती है। पहले तो वो अपने डर की वजह से मना करती है, फिर एग्री हो जाती है। अब वो भी टावर से लटक कर पिक्चर क्लिक करवाती है, फिर ऊपर आकर वो डैन के एशेस उड़ा देती है और उसे बहुत मिस भी कर रही होती है। अब ये वापस जाने का फैसला करती है। सामान पैक करके सबसे पहले बेकी नीचे स्टेयर्स पे उतरती है, तो स्क्रू निकल जाने की वजह से स्टेयर निकल जाती है और बेकी हवा में लटक जाती है। तो शैलो उसे ऊपर तो खींच लेती है, लेकिन ऊपर की स्टेयर्स निकल कर गिर जाती है और उनका ड्रोन और खाने का सामान नीचे प्लेट पे जा गिरता है। अब वो दोनों फोन चेक करती हैं तो वहाँ सिग्नल्स ही नहीं होते। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। उन्हें वहाँ एक बॉक्स में फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है, लेकिन शैलो कहती है कि फ्लेयर गन चलाने का फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। बेकी की टांग इंजर्ड होती है तो शैलो उसकी टांग पे पट्टी बांध देती है। अब बेकी बकरी वाली पोस्ट चेक करती है तो उस पे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स होते हैं, तो वो बेकी से कहती है कि इसका मतलब नीचे सिग्नल्स थे, तभी मेरी पोस्ट अपलोड हो गई। अब वो हेल्प के लिए एक मैसेज लिखती है और आईडी पर पोस्ट कर देती है, फिर मोबाइल रोप से बांधकर थोड़ा सा नीचे की तरफ करने लगती है, ताकि उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए और उनके फॉलोअर्स हेल्प के लिए आ जाएं। लेकिन पोस्ट अपलोड नहीं होती। अब शैलो नीचे जाकर फोन और नीचे करती है, फिर भी पोस्ट अपलोड नहीं हो पाती, क्योंकि रोप बहुत छोटी थी। अब शैलो डिसाइड करती है कि वो अपना फोन कवर करके नीचे फेंक देगी, ताकि पोस्ट अपलोड हो जाए। अब वो अपने सॉक्स में फोन कवर करती है और उसे शूज में डालकर नीचे फेंक देती है, पर उन्हें नहीं पता होता कि पोस्ट अपलोड हुई भी है या नहीं। शैलो दूरबीन से देखती है तो वहाँ एक आदमी अपने डॉग के साथ आया होता है, तो वो लोग उसे आवाज देने लगती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं। अब वो आदमी जाने लगता है तो बेकी अपना शू नीचे फेंक देती है, ताकि वो आदमी उन्हें देख सके। आदमी जब वो शूज देखता है तो उसे लगता है कि शू पहले से ही यहाँ पड़ा हुआ है, और हम उसके डॉग को देखते हैं, जहाँ शैलो का फोन टूटा हुआ होता है।
इनका ये प्लान भी फेल्ड हो चुका होता है। बेकी फ्लेयर गन चलाने लगती है तो शायलो उसे मना करती है कि रात होने का वेट करो। अब रात हो जाती है, वहाँ एक वैन होती है, उसमें वही आदमी होता है। तो बेकी फ्लेयर गन चलाती है और मोबाइल टॉर्च भी ऑन करती है। वैन के लोग उन्हें देख तो लेते हैं लेकिन वो उनकी हेल्प करने के बजाय उनकी जीप चुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख कर बेकी और शैलो बहुत सैड हो जाती है। अब रात हो जाती है, वो दोनों सोने की कोशिश कर रही होती है। शैलो नींद में होती है और नीचे गिरने लगती है तो बेकी उसे पकड़ लेती है। अब सुबह होती है तो शैलो टावर के चारों कॉर्नर पे रोप बांध कर नीचे बैग लेने जाती है। शैलो कुछ ही दूर होती है तो रोप खत्म हो जाती है। अब वो रोप क्लिप ओपन करके प्लेट पे जंप लगाती है और बैग उठाकर सेल्फी स्टिक की हेल्प से उसे रोप से हैंग कर देती है और खुद भी जंप करके रोप को पकड़ लेती है। बेकी स्लोली उसे ऊपर खींच रही होती है कि तभी शैलो के स्लिप हो जाने से रोप उससे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बेकी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है लेकिन जब वो नीचे देखती है तो शैलो रोप पे लटकी होती है। शैलो के हाथ इंजर्ड हो चुके होते हैं तो वो ऊपर नहीं आ सकती थी तो बेकी उसे ऊपर खींच लेती है और वो उसे बचा लेती है। बेकी बैग से पानी निकाल कर पीती है, फिर एक नोट लिखकर ड्रोन पे लगा देती है और उसे कंट्रोल करके आगे फॉरवर्ड करती है लेकिन उसकी बैटरी लो हो जाती है। अब रात हो जाती है और बेकी देखती है कि शैलो नीचे गिर के मर चुकी है और उसकी बॉडी बर्ड्स खा रहे हैं कि तभी उसकी आँख खुल जाती है और ये एक नाइटमेयर था। वो ऊपर देखती है तो टावर की लाइट ब्लिंक कर रही होती है। बेकी सोचती है कि इसकी हेल्प से ड्रोन चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी ऐसा ही करती है, वो ऊपर जाकर ड्रोन चार्ज करती है और तब तक लटकी रहती है जब तक ड्रोन चार्ज ना हो जाए। फिर वो नीचे आकर फिर से नोट लिखती है और ड्रोन एक घर की तरफ फॉरवर्ड करने लगती है। उससे पहले ही ड्रोन एक कार से टकराकर टूट जाता है। बेकी की कंडीशन बहुत खराब हो रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वो शैलो से उसका दूसरा शू मांगती है ताकि वो अपना फोन फेंक के हेल्प बुलवा सके। तभी से पता चलता है कि शैलो तो है ही नहीं, ये बस उसका ख्याल है। वो तब ही नीचे गिरकर मर चुकी थी जब उसके हाथ से रस्सी छूटी थी। अब जब वो नीचे देखती है तो शैलो की डेड बॉडी बर्ड्स खा रहे होते हैं। बेकी बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर वो अपने डैड के लिए एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी सो रही होती है तो एक चील आकर उसकी इंजर्ड टांग खा रही होती है कि तभी बेकी की आंख खुलती है और वो चील को पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ के उसे कच्चा खाने लगती है क्योंकि वो भूख की वजह से निढाल हो रही थी। खाने के बाद उसको एनर्जी आती है। दूसरी तरफ उसके डैड को बेकी की फिक्र हो रही होती है, वो पता करना चाह रहे होते हैं कि बेकी इस वक्त कहाँ है। उधर बेकी हिम्मत करके टावर पे क्लिप लगाकर रोप की हेल्प से नीचे उतरती है जहाँ शैलो की डेड बॉडी होती है। वो शैलो के शू में अपना मोबाइल डालकर शैलो के स्टमक से लगाकर उसे सॉरी बोलती है और उसकी बॉडी नीचे फेंक देती है ताकि उसके डैड को उनका मैसेज मिल जाए। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि बेकी के डैड वहां पहुंचते हैं और डैड बॉडी जो कि पुलिस ले जा रही होती है उसे देखकर समझते हैं कि ये बेकी है कि तभी बेकी उन्हें आवाज देती है। वो उसे देख के सुकून का सांस लेते हैं और उसे हग कर लेते हैं और इसी तरह बेकी बच जाती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।